मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना में एक बार फिर भाजपा का दबदबा देखने को मिला। वहीं बात करें शहडोल जिले की तो निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाजपा का खेल बिगाड़ दिया है। चार नगर निकाय चुनाव में 73 वार्डो के लिए हुए चुनाव में भाजपा के 28 पार्षद, कांग्रेस के 21, बीएसपी के 1 व निर्दलीय के 23 प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। शहडोल जिले के चार नगर निकाय चुनाव में 73 वार्डों के लिए हुए चुनाव में भाजपा के 28 पार्षद, कांग्रेस के 21, बीएसपी के 1 व निर्दलीय के 23 प्रत्याशियों ने बाजी मारी है, जिसमें जिले के सबसे बड़ी नगर पालिका धनपुरी में 28 वार्डों में भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसमें 9 में भाजपा ने जीत दर्ज की है। वहीं लंबे समय के बाद कांग्रेस ने बढ़त बनाते हुए 13 वार्डों में कब्जा किया है व 6 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। बात करें नवगठित नगर परिषद वकोह की तो यहां भाजपा का कब्जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया है, जिसमें 15 वार्डों में से भाजपा 9, कांग्रेस 1, निर्दलीय 5 जीते हैं। खांड नगर परिषद में निर्दलीयों ने खेल ही बिगाड़ कर रख दिया है। यहां की 15 वार्डों में से भाजपा 3, कांग्रेस 5, बीएसपी 1 व निर्दलीय 6 ने जीत प्राप्त की है। वहीं ब्योहारी नगर परिषद में 15 वार्डों में भाजपा 7, कांग्रेस 2, निर्दलीय 6 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। नगरीय निकाय में मिली ऐतिहासिक जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाते हुए एक दूसरे को बधाई दी है। नगरीय निकाय में चुनाव में कांग्रेस की बढ़त थी, इस क्या कहना है संबंध में? धनपुरी नगर पालिका परिषद में कांग्रेस की बढ़त है, हमारे कांग्रेस के संघर्षशील प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के मेहनत का परिणाम है कि आज हम धनपुरी नगर पालिका परिषद में अग्रणी स्थिति में है। हम यहाँ पर नगर सरकार बनाने जा रहे हैं। ये विधानसभा का भी आगाज है, आगामी विधानसभा चुनाव? निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों ने, वरिष्ठ जनों ने जिस तरह से एक होकर अपना परिचय दिया है, आने वाले विधानसभा और लोकसभा में भी हम यहां से अच्छी स्थिति तैयार करें। अध्यक्ष के लिए क्या तैयारी है अभी, जो कुछ जोड़ तंगोड़ भी करना पड़ेगा क्योंकि कुछ निर्दलियों को भी? हमारे साथ निर्दलियों का वैसे भी समर्थन है, लगभग हम सब यहां पर सरकार बनाएंगे। आने वाले समय में हमारे पार्षद दल के लोग आपस में बैठकर इन बातों को निर्णय करेंगे और अध्यक्ष आपके समक्ष। नगर परिषद बकहो, नवगठित नगर परिषद की, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन? वहां पर कुल मिला के हमारी स्थिति निश्चित तौर पर वह विश्लेषण करने लायक है। वहां हम हारे जरूर हैं, लेकिन वहां की परिस्थितियां जो हैं वो बहुत कम वोटों से हम सब एक अंतर से हारे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम बकहो में भी अच्छी स्थिति में रहेंगे। ठीक, भाजपा की स्थिति खराब हुई है इस चुनाव में, जो नतीजे आए हैं उससे भाजपा पीछे गई है? भाजपा के निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में स्थिति खराब हुई है। शिवराज जी के नेतृत्व में जिस तरह के झूठे वायदे और महंगाई, रोजमर्रा की परेशानियों से जूझते लोग, रोजगार के लिए लालायित हमारा युवा वर्ग, ये तमाम परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण हम कांग्रेस का यहाँ पर परचम लहराया है। फिलहाल नगरीय निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद अब अध्यक्ष पद की रेस शुरू हो गई है। ऐसे में देखना होगा कौन किस पर भारी पड़ता है। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।